हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्त आपको पता है कि हमने आपके लिए स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम पंजाब वाले जो एग्जाम होने वाले हैं, पंजाब पटवारी हो या PSSB हो या कोई PSPCL हो या PSTCL हो, यानी जो भी आपके आप पंजाब के अपकमिंग एग्जाम या अदर एग्जाम जो है SSC करवाई कंडक्ट करने वाली है फिलहाल आगे जाकर फ्यूचर में, तो उन सभी में आपको पता है या रेलवे भी आने वाला है, रेलवे का एग्जाम भी आने वाला है, तो सभी में जो मेंस्ट्रुएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने डायरेक्ट ही मेंस्ट्रुएशन से आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था, जो कि हम अपने प्रीवियस क्लास में मेंस्ट्रुएशन 2D के जितने भी कंसेप्ट बनते थे उसके पहले हमने पहली क्लास में फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले समझाए, फिर फॉर्मूले के बिहाफ पर जो क्वेश्चन होते थे वो आपको समझाया, देन आपको सभी फॉर्मूले को कंबाइन करा के जितने भी कंसेप्ट बनते थे बन सकते थे लगभग सभी कंसेप्ट आपको करवाए और अच्छे से समझाया दोस्तों। तो आज हमारी क्लास जो रहने वाली है दोस्त मेंस्ट्रुएशन 3D पे रहने वाली है, जो कि आपके सामने ये फॉर्मूले के चार्ट दिखाई दे रहा है, मैंने चार्ट बना दिया है फॉर्मूला के। एक्चुअल में दोस्त है तो बहुत सारे ही है फॉर्मूले मेंस्ट्रुएशन 3D के, आपको पता होगा यार इसमें 6 ही लिखे गए हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कोन और स्पेयर और हेमिस्फीयर। इसके अलावा होलो होता है, होलो सिलेंडर होता है, होलो स्पेयर भी होता है दोस्त। इसके अलावा फ्रस्टम होता है और आपका फ्रस्टम हो गया और दोस्त आपके पास प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है। तो दोस्तों पहले आप देखिए जो भी एग्जाम होने वाला है आगे आपका आने वाला है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पिरामिड हो गया या आपका प्रिज्म हो गया उसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, निश्चित बनते हैं दोस्त, आते भी हैं एग्जाम में, लेकिन दोस्त उसको वो एग्जाम में आने के उनके चांस से ज़्यादा चांसेस होता है इनके आने का, मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी आएंगे लेकिन ये 100% आएंगे। अगर मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन ड्राइव होगा तो आपका 3D में से एक क्वेश्चन इनमें से ही देखने मिलेगा। हाँ, जो एग्जामिनर का मूड होगा तो एक क्वेश्चन ये डालेगा, साथ में आपको वो डाल देगा, पिरामिड का डाल दे या प्रिज्म का डाल दे या आपका फ्रस्टम का डाल दे, कोई भी उसकी इच्छा करे, लेकिन दोस्त उसका मतलब आने के मतलब 100% छोटी नहीं है, लेकिन इसका 100% यानी जो अभी फॉर्मूला हमने लिखा है इनके आने के 100% चांस बन जाता है एग्जाम में दोस्त। तो मैं इसलिए मैंने सबसे पहले ये करवाया है, मैं स्पेयर तक आपको बताऊंगा, कराऊंगा, इसको समझाऊंगा, इनसे जो भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे मैं आपको पैरेलल बताते चलूंगा, कराते चलूंगा। उसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट होता है दोस्त, उसके बाद हमारा पिरामिड बनेगा, प्रिज्म बनेगा, फिर हमारा फ्रस्टम बनेगा या होलो सिलेंडर का क्वेश्चन होगा या होलो स्पेयर का क्वेश्चन होगा। तो वैसे दोस्त मैं तो आपको सिलेंडर या कौन सिलेंडर और आपके स्पेयर के साथ ही होलो स्पेयर और होलो सिलेंडर का जो होगा वो आपको बता दूंगा और करवा भी दूंगा इनसे क्वेश्चन, तो इनके पैरेलल ही करवा दूंगा, लेकिन दोस्त जो पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया और आपका फ्रस्टम हो गया, उसका मैं आपको इसके करवाने के बाद, इनको करवाने के बाद वो अच्छे से उनके डायग्राम यानी उनके फिगर को समझाते हुए आपको हर कंसेप्ट जो प्रिज्म पर बनेगा, हर पिरामिड पर जो भी कंसेप्ट बनेगा सब बताऊंगा दोस्त आपको। निश्चित रहिए, बेचिंता रहिए, चिंतित रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और साथ में अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए हमारे क्लास को और हमारे साथ भी जोड़िए सबको, और ताकि हमें आपका दोस्तों सपोर्ट मिले, आपका हमारा आपका साथ मिले और हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं और निरंतर आपको भी टॉप तक लेकर जाएं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आप काम कीजिए, ये जो आपके पास जो दिखाई दे रहा है चार्ट दिखाई दे रहा है 3D के मेंस्ट्रुएशन का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कीवर्ड का है, कैसे है फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। तो दोस्त आज तो हमारी क्लास जो है, आज क्लास हमारी ज़्यादा लंबी रहने वाली नहीं है दोस्त, पहली बात ये, ठीक है, आपके पास ओनली चार्ट लेके आया हूँ, चार्ट को लेकर जो भी चार्ट सभी बनेंगे, समझाने वाला कुछ बनेगा वो मैं समझा दूंगा, ठीक है दोस्त। लेकिन दोस्त जो ये सिर्फ आपको एक होगा कि मतलब कहने के लिए, मतलब कह सकते हैं आपको एक व्यू के लिए, प्रीव्यू के लिए एक छोटा सा क्लास रहने वाली है, जो कि आपको एक समझ जाइए ट्रेलर है, ये ट्रेलर रहने वाला है आपके लिए कि आप जो क्लास रहने वाली है कि मेंस्ट्रुएशन 3D की बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आने वाला है आपको करने के बाद क्लास। अगर आप मेंस्ट्रुएशन 3D करते हैं दोस्त निश्चित रहिए बहुत मज़ा आएगा, आप कहेंगे कि हाँ भाई क्या मज़ा आया क्लास करने के बाद। तो दोस्त ये एक ट्रेलर के रूप में आपके सामने मेंस्ट्रुएशन 3D का जो मैंने चार्ट बनाया है, ये चार्ट आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्त एक बार जान लीजिए कि इसको अभी तो मैं जितना बनने का जितना बताने वाला होगा उसके बारे में मैं बता दूंगा, आपको समझा देता हूँ।
ठीक है। लेकिन दोस्त जो हमारी क्लास रहेगी नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको इन क्लास से संबंधित, जैसे मान लो कि मैं कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बारे में या फर्स्ट कीबोर्ड का शेप बना के उसके फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करते हुए कीबोर्ड के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है दोस्त। देखिए मतलब कीबोर्ड का कहते छः कीबोर्ड है ना, तो कीबोर्ड के टोटल 5 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा, उसके बाद कीबोर्ड को अच्छे से समझा दूंगा कि ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। फिर नेक्स्ट क्लास में क्यूब के बारे में करेंगे, इसी तरह सिलेंडर के बारे में, इसी तरह कोन, स्पेयर और हेमिस्फीयर के बारे में करते चलेंगे पैरेलल, और आपको हर एक के जितने भी कंसेप्ट, हर एक शेप से जो भी कंसेप्ट बनते जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आप चिंता ना करें, ठीक है, बेचिंतित रहे और हमारे साथ बने रहे। इसके बाद जो भी हमारा आगे पिरामिड प्रिज्म होगा वो भी आपको पैरेलल करवाएंगे दोस्त, बेचिंतित रहिए आप। तो आई होप आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं कि आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। तो देखिए दोस्त आपके पास जैसे कि शेप, देखिए क्यूबॉइड है, फर्स्ट क्या है क्यूबॉइड, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा जो भी हिंट से आपको देता हूँ ट्रेलर, जो कि बहुत शानदार क्लास रहने वाली है आपकी। आई होप आप जुड़ेंगे, आप औरों को भी जोड़ेंगे अपने साथ लेकर आएंगे और क्लास का आनंद मानेंगे दोस्त, यकीन मानिए आप हमारे साथ बने रहिए बस। कीबोर्ड, कीबोर्ड दोस्त, कीबोर्ड में बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कीबोर्ड की हिंदी जानी है पहले, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कीबोर्ड यानी घनाभ। क्या होता है घनाभ? होता है कीबोर्ड यानी घनाभ, ठीक है, कीबोर्ड यानी घनाभ होता है दोस्त। तो आप बहुत ही आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेज में कीबोर्ड क्या होता है, कैसे बना है कीबोर्ड, तो दोस्त कीबोर्ड समझने के पहले आप 3D के बारे में आपको पता होना चाहिए 3D होता क्या है। देखिए दोस्त 3D वो शेप होता है जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसके अंदर आप घुस सकते हैं, रह सकते हैं, कोई सामान डाल सकते हैं, तो और क्या बोलते हैं 3D शेप, जैसे कि आप कह सकते हैं आप 3D में क्या इसको आप फील कर, जैसे जहाँ पर लगे कि आप महसूस करें कि आप वहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप वहाँ पर हैं, वो 3D आपका कहला सकता है, या 3D यानी 3D यानी तीन बीमाएँ, 3D यानी 3 बीमाएँ यानी 3 बीमाएँ हिंदी की बात करूँ तो मैं, तो वहाँ पर आप जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूँ, एक रूम ले लीजिए, घर कमरा ले लीजिए, कमरा लेने के बाद कमरा में कमरे के अंदर ध्यान से कोना पकड़, किसी भी कमरे का कोना पकड़ लीजिए, एक रूम लीजिए, रूम के कहीं और ना देखकर आप उस रूम का चार कोने होंगे, चार कॉर्नर होंगे, तो चारों कॉर्नर यानी चारों कोनों में से एक कोना पकड़ लीजिए और वहां पर आप देखिए इस कोने की बिंदी होगी, बिंदु जहां नीचे वाला जो हिस्सा जहां पर तीन वहां पर देखिए कोने पर, तो कोना कोने को एक बिंदु के रूप में मानिए, कोने को क्या मानिए बिंदु के रूप में, जैसे कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कोना यहाँ पकड़ लेता, ठीक है, कोना पकड़ लीजिए, यहाँ पर बिंदी लगा दी दोस्त मैंने लगा दिया, इस कोना है समझ लो रूम का क्या है कॉर्नर है कोना है, यहाँ से अगर ये सीधी रेखा जा रही है दोस्त, इसको आप खींचिए जो आपकी सीधी जा रही है रूम के रूम में सट जाएगी, आपकी सट जाएगी, उसको क्या हो गया, इसको मान लीजिए आप एक्स मान लेते हैं, एक ऊपर की तरह जाती है, देखिए होंगे सीधा एकदम सीधा जाएगा ऊपर की तरह, ठीक है, ये वाई रेखा हो गई, एक इस साइड आएगी रेखा ऐसे, ये आपकी जेड रखा हुआ, जैसे ही होता है रूम का, तो यानी 3D शेप होता है दोस्त, ये 3D शेप हुआ, 2D हुआ, नहीं एक्स वाई जेड आपकी क्या बनी, इसकी बीमाएं बनी, ठीक है, यानी जिसमें आप क्या हो सकता है, देखिए बोतल हो गया, ज्यादातर आपके जो आपके रियलिटी में देखते हैं फील करते हैं, तो ज्यादातर जो चीजें होती है 3D शेप में होती है, एग्जाम्पल के लिए आप फैन की बात करें 3D शेप में होता है, ठीक है, जिसको छू पाते हैं पकड़ पाते हैं अच्छे से, तो 3D शेप हो गया। एग्जाम्पल के लिए दोस्त यहाँ पर अगर मैं बोर्ड आई है, बोर्ड क्या 2D शेप है या 3D शेप है बताइए, जो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है 3D है 2D है, तो दोस्त 3D है, कैसे 3D है, क्योंकि इसका कॉर्नर है, कॉर्नर के पीछे भी एक लेयर बना हुआ है, ठीक है, और अगर 2D शेप की बात करें, जिसको आप 2D सिंपल सी बात है, जो दोस्त क्या होता है 2D क्या होता है, जो भी ड्रॉ किया जाता है किसी पेज पर जिस वो भी 2D के साथ, तो दो बीमाएं के साथ, यानी एक्स वाई की बीमाएं के साथ, जैसे मैंने लोग यहाँ पर मैं बोर्ड पर ये लाइन खींचा हुआ, देखिए दोस्त ये डब्बा मैं देखिए इसको ये मैं जब कॉर्नर निशानी लगा रहा हूँ, ये निशानी लगा दिया मैंने चार, तो एक डब्बा बन गया, ये जो बन गया सेल बना, सेल जो सेल वाला डब्बा बना है, जो ये 2D शेप है, तो इसका कोई एक्स वाई सिर्फ जेड नहीं है, 3D तीसरी बीमार नहीं है। अगर मैं बात करूँ शेप की, देखिए इसमें लंबाई गुना ऊंचाई भी होता है, ठीक है, तो आपके 3 बीमाएँ बनती है और 3D हो गई, जिसको आप फील कर सकते हैं हर एक चीज़। तो आई होप आपको 3D पता लग गया होगा। अब आ जाइए कीबोर्ड के ऊपर, कीबोर्ड का मतलब होता है घनाभ, ठीक है दोस्त, क्या होता है घनाभ होता है, और इसका शेप देखिए यह होता है, शेप कैसे बनता है,
आप रेक्टेंगल का नाम सुने होंगे, टू डी शेप होता है रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल यानी आयत। आयत को तो जानते होंगे, आयत आप दो दो बीमारियां होती है, टू डी शेप होता है यानी टू डी है। तो आयत को आयत की यानी कह सकते हैं रेक्टेंगल से मिलकर बनता है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। रेक्टेंगल से मिलकर क्या बनता है क्यूबॉइड, जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे दोस्त इन सभी सभी डायग्रामों से फिगर के से, तो हम मैं आपको हर एक डायग्राम का हर एक फिगर का इमेज बनाते चलूंगा और साथ में उसको एक्सप्लेन कर चलूंगा। तो अभी हाल फिलहाल में आप जितना जाना है जान लीजिए, इसको घना बोलते हैं। रेक्टेंगल के शेप से मिलकर बना होता है, तो इसलिए रेक्टेंगल के शेप से मिलकर बना है यानी इसकी भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, ठीक है। आमने सामने बराबर होती है, जैसे मान लीजिए एल के सामने जो एल होगा तो उसका लेंथ भी समान होगा, बी के सामने जो भुजा होगी यानी साइड होगी उसकी बी समान ब्रेथ समान होगी, हाइट के सामने जो भुजा होगी उसकी ऊंचाई समान होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको पता होगा रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्त, क्या होता है एल बी, ठीक है, एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुना चौड़ाई, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो दोस्त इसमें क्या होता है, और आपको क्या बोलते हैं कि इसमें जो होता है एल बी एच आयतन, इसमें आयतन निकलता है, आयतन निकालने का फार्मूला क्या होगा यानी वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होगा एल बी एच यानी लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, यानी इसमें हाइट एक्स्ट्रा है तो हाइट से गुना हो गया, ठीक है। और दोस्त आपके पास जो लेटरल सरफेस की बात कर रहा है या कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो किनारों के बाहर वाली जो होती है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। एग्जाम्पल के लिए जो बाहरी जो कर्व जो बाहर से बना हुआ शेप जो होता है उसको बोलते हैं, अंदर अंदर वाली शेप से कोई मतलब नहीं है। अंदर जैसे मान लीजिए रूम है, रूम के बाहर से जो पेंट होगा वो आपका लेटरल हो गया, अंदर से अंदर घुसने की जरूरत नहीं होती है। जैसे के लिए मैं बता दूं, जैसे ये यहाँ पर टू एच एल प्लस बी है, देखिए यहाँ पर एल बी आपका समान रह रहा है, देखिए एल बी यहाँ एक एल आ गया एक एल आ गया, यानी रेक्टेंगल का एक दो एल की बात थोड़ा गुना करेंगे टू एल आ जाएगा, एक एल 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 बी बी दो बी आ गया, दो एल दो बी हो जाएंगे, ठीक है। एच आ गया आपका टू एच, देखिए बी एच के साथ बी एच गुना में हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, एक बार एल एच हो जाएगा, एक बार बी एच हो जाएगा, एक बार क्या होगा एल एच हो जाएगा, एक बार बी एच एच हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इन दोनों को दोनों का लेटर जो सरफेस बनेगा जो कर्व सरफेस यानी जो बनेगा आपका कर्व सरफेस यानी पृष्ठीय तनाव क्षेत्रफल जो बनेगा, तो ये बनेगा बी एच और एक बार बनेगा एल बी, ठीक है, एच बी सॉरी एच बी बनेगा बी एच बनेगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। टोटल सरफेस एरिया जितने भी इसके साइडें होंगे सभी को जो मतलब अब जोड़ के फिर दो से गुना कर रहे हैं, जैसे कि एल दो हो गया एल दो दो एल बी हो जाएगा दो, यहाँ पर देखिए दो कैसे क्या है एल एच बी एच एल बी है ना। तो दोस्त देखिए क्या है, एल को बी से गुना किया गया, ठीक है, फिर बी को एच से किया गया एक बार हो गया, फिर एच को एल से किया गया, फिर आपको एल से एच किया जाएगा, फिर बी से एच किया जाएगा, फिर एल से बी किया जाएगा। मैं आपको जब ये डायग्राम में फिगर बना के समझाऊंगा तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा दोस्त, डोंट वरी। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, टू ब्रैकेट एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, ठीक है, ये आ गया। क्यूब, क्यूब के बारे में क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है घन, क्या होता है इसकी हिंदी में क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, घन बोलते हैं, ठीक है। इस ये जो होता है जैसे आप मैंने बताया क्यूबॉइड है दोस्त, क्यूबॉइड आपको रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है और क्यूब जो है आपको ये स्क्वायर से मिलकर बना होता है, स्क्वायर यानी वर्ग से मिलकर बना होता है। देखिए देखिए जो वर्ग इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ये सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए इसका जो फार्मूला होता है ए वॉल्यूम का ए का क्यूब, यानी जैसे पता होगा आपको ए का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका वर्ग का, तो वैसे ही इसका घन यानी आपका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है ए का क्यूब, ठीक है, ए दी पावर क्यूब लगा देंगे। इसका जो लेटरल यानी कर्व सरफेस एरिया है फोर ए स्क्वायर है, कैसे है फोर ए स्क्वायर, ये चार भुजाएं यानी एक दो तीन चार, यानी ये पता है एक चार ले लिया तो चार ए स्क्वायर, ठीक है। तो यानी देखिए कैसे होगा, यहाँ एक डब्बा बन गया, एक ये वाला डब्बा बन गया, एक वाला डब्बा बन गया, एक वाला डब्बा, चार डब्बे बन रहे हैं, यानी चार डब्बे मिलकर, यानी देखिए बाहर वाला डब्बा पिछला डब्बा दो डब्बे एक साइड वाला डब्बा, यानी चार स्क्वायर मिलकर, इसका मतलब क्या हुआ, चार स्क्वायर मिलकर क्या बना रहे हैं आपका क्यूब बना रहे हैं, चार स्क्वायर मिलकर, है ना। तो आपके साथ ए स्क्वायर यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, ए का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब क्या आपका स्क्वायर का क्षेत्रफल, चार का मतलब हो गया चार स्क्वायर है, यहाँ पर सिक्स ए स्क्वायर होगा यहाँ पर दोस्त, टोटल सरफेस है अंदर के आपका बाहर, ये जो था चार लेटरल की बात हो रहा था ना बाहर की तरफ, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, दो तीन चार। अब अंदर की बात करेगा टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, देखिए टोटल सरफेस एरिया मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ऐसे होता है फोर ए स्क्वायर प्लस
टू ए स्क्वायर इक्वल टू सिक्स ए स्क्वायर। देखिए फोर स्क्वायर, फिर फोर स्क्वायर तो आपका पास ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी बाहर वाला जो आपका जो होगा क्षेत्रफल क्यूब का वो आपके साथ जुड़ जाएगा, दो अंदर वाला बन जाएगा। दो अंदर वाले कैसे, देखिए आप एक फील कीजिए, आप एक क्यूब का क्यूब वाला रूम ले लीजिए दोस्त, आप एक क्यूब का रूम लीजिए और मान लीजिए फील कीजिए आप उसके सेंटर में खड़े रहिए, रूम में घुस गए हम खड़े हैं, तो आप देखिए कर्व सरफेस एरिया के बारे में सोचिए। आप देखिए आप कर्व का मतलब है किनारों के बारे में, चार किनारे बनेंगे, चार उसके वर्ग बनेंगे, क्यूब की बात हो चार वर्ग बनेंगे ना, तो एक ये वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग ठीक है, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, यानी आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया चार वर्ग हो गया, और इसके एक स्क्वायर यानी आपको उसका आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला है स्क्वायर, वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर है, तो यानी फोर वर्ग हो गए तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर लग गया, फोर ए स्क्वायर हो गया, यानी एक दो तीन बैक वाला चार ठीक है। अब आपको टोटल की बात करना है, टोटल का मतलब होता है कि होल द रूम, पूरे रूम की बात कर रहा है, अब इसे किनारों की बात नहीं करेगा, कर्व का मतलब होता है किनारों के बारे में के जो साइडों के बारे में हो गया ठीक है। और टोटल की बात करेगा, चार तो ये हो गए ठीक है, चार तो आपने काउंट कर ही लिए थे, तो चार स्क्वायर ये हो गया, दो स्क्वायर देखिए कौन कौन से है, एक नीचे धरती वाला यानी जहाँ फ्लोर है आप जहाँ पर खड़े हैं, जिस पर खड़े हैं आप वो फ्लोर हो गया, सेकंड आपका रूफ हो गया, छत हो गया, यानी एक स्क्वायर नीचे दो एक स्क्वायर, दो स्क्वायर हो गए, तो चार स्क्वायर, चार स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर मिलकर सिक्स स्क्वायर आपका बन गया। सिलेंडर है, सिलेंडर को सिलेंडर ही बोलते हैं, जिसका शेप देखिए सिलेंडर क्या होता है, एक ऐसा शेप, एक ऐसा शेप कह सकते हैं उसको, और फिगर कह दीजिए जिसके ऊपर वाली जो सर्कल होगा, ऊपर वाला सर्कल का साइज और नीचे वाला सर्कल का साइज, यानी पाइप का, देखिए सिलेंडर में क्या क्या हो सकता है, पाइप हो सकता है, पेन भी हो सकता है आपका, पेन हो सकता है, पाइप हो सकता है, और तार हो सकता है, वायर हो सकता है ठीक है। तो मैं बताता हूँ अभी, आप ज्यूम कर लीजिएगा कैसे, देखिए कैसा शेप जिसका ऊपर का सर्कल, जो ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला जो सर्कल मिलकर दोनों का जो समान है, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा यानी इसकी जो रेडियस होगी ऊपर वाले की, ऊपर वाले की जो रेडियस होगी और नीचे वाले की रेडियस होगी वो समान होगी, यानी ऊपर वाले सर्कल की रेडियस और नीचे वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, समान होगी, तो आपका क्या होगा दोस्तों, आपका सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर का निकलने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच कैसे बनता है दोस्त, ये भी सीखना पड़ेगा आपको। देखिए दोस्त क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, सर सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ठीक है। बेस देखिए हाइट कह रहा है, बेस क्या है आपका सर्कल है, आपको पता सिलेंडर में जो बेस है सर्कल है, तो सर्कल का रेडियस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आ गया, हाइट आपका एच आ गया ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बन गया। टू पाई आर एच की बात कर रहा हूँ, देखिए लेटरल सरफेस एरिया, अब फिर लेटरल कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होगा, इसके साइडों का, देखिए इस साइड की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल का पैरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, तो टू पाई आर होता है ना, तो टू पाई आर देखिए मैंने ले लिया, टू पाई आर इसका पैरीमीटर हो गया ठीक है, गुना हाइट कर दिया मैंने, गुना हाइट कर देंगे, इस तरह भी कर सकते हैं, ये तरीका भी है, टू पाई आर गुना हाइट यानी सर्कल का पैरीमीटर बन गया, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए ये आ गया, ये शेप बन रहा है, जो आपका शेप बन रहा है, तो आप इस तरह भी कर सकते थे कि देखिए टू पाई आर का मतलब क्या, दो रेडियस हो गए, एक रेडियस नीचे वाला एक ऊपर रेडियस हो गया, पाई की वैल्यू पाई आ गई, टू आर हो गया गुना हाइट हो गया ठीक है, तो हाइट एक हाइट हो गया, ऊपर आर आर हो गया ठीक है, और आपका ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं दोस्त, ये पाई की वैल्यू तो आपको पता ही रहेगा ही, क्योंकि सर्कल में पाई तो आएगा ही, टू पाई आर एच प्लस आर, तो टू पाई आर एच प्लस आर कैसे आया ये जान लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, तो आपको देखिए टोटल सरफेस एरिया पहले आपके पास ये आर था, यानी नीचे वाला पैरीमीटर मैंने ले लिया था जो मैंने बता दिया आपको, और दूसरा आपका ये एच हो गया, अब आपके पास क्या होगा, टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर एच, टू पाई आर एच प्लस देखिए टू पाई आर सॉरी टू पाई आर प्लस पाई क्या है, टू पाई आर एच हो गया प्लस में टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर होगा, तो टू पाई आर एच का बनेगा कैसे, आपके पास ये तो आएगा ही आएगा, साथ में टू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर कैसे आ जाएगा, देखिए पहले आप इसका निकाले थे, पहले आपको ये निकाला था, ये आपको साइड वाला पता निकला था, ये निकला था ठीक है दोस्त, साइड वाला निकाले थे, ऊपर वाला निकाल दिया था, आपके पास अब क्या होगा, दो सर्कल बने हैं, ऊपर नीचे सर्कल बने हैं, देखिए क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, जल्दी
ये आपके साथ कैसे जुड़ा है, तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी ऊपर वाला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, नीचे वाला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, टू पाई आर स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, उसके बाद बनने के बाद ये फार्मूला आ गया। ठीक है, आई होप दोस्त मजा आ रहा होगा, समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्त, अब अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, बस आप समझते रहिए, चलते रहिए, मुझे लग रहा है लेकिन मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा दोस्त। क्लास में जब हम क्वेश्चन ले करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, मेरा दावा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कौन की बात कर रहा है, कौन क्या है, कौन का शेप देखिए, इसका वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला है दोस्त, ये इंटीग्रेशन के द्वारा निकल देगा, इसको करके दिखाएगा, नहीं करके मैं नहीं दिखा सकता, दिखा भी दूंगा समझ में नहीं आएगा, बहुत लेंथी में है। तो दोस्त ये आगे आपका याद रखना पड़ेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर है जिसका वॉल्यूम है कौन का, कौन कैसे बनता है, शंकु की बात कर रहा, कौन यानी क्या होता है, शंकु, कौन यानी क्या होता है, शंकु होता है, तो शंकु का फार्मूला वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल, एल कैसे आता है मैं करके दिखा दूंगा आपको। ये देखिए एल जो होता है लेटेंट हाइट बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं, लेटेंट हाइट, यानी जो कि ऐसे जा रहा है कर्म की तरह है। अगर मैं यहाँ राइट एंगल ले लूँ, ये मानी मैं इसको, मैं ये ट्राइंगल यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, देखिए मैंने अभी लगाया निशानी रेड पे, जो मैंने अभी रेड मार्कर से निशानी लगाया आपको दिख रहा होगा, तो ये मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ तो एल की वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ, अगर मेरे पास हाइट और आर की वैल्यू है तो, अगर मेरे पास आर और एल की वैल्यू है तो मैं हाइट की निकाल सकता हूँ, अगर मेरे पास हाइट और लेटरल लेंथ की वैल्यू है तो मैं आप आर निकाल सकते हैं दोस्त। पाई आर एल आया कैसे, देखिए दोस्त इसका जो लेटरल सरफेस एरिया बात कर रहा है, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में जानिए, ये सरफेस एरिया होगा आपका यहाँ से, यहाँ साइड, और देखिए मैं अभी पेन पेन से नहीं लगा, यहाँ देखिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ये साइड से साइड बाहर बाहर है, बाहर बाहर से जो जा रहा है, बाहर बाहर से, ठीक है, ये हो रहा है, अंदर की बात नहीं कर रहा है, तो पाई आर एल आ गया। अब आपके पास पाई आर एल प्लस आर, तो ये आपके पास अब क्या कैसे आएगा देखिए, तो आपके पास ये आया पाई आर एल, तो आपके पास हो ही गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कैसे आएगा नहीं, टोटल सरफेस एरिया कैसे आया, तो आपके पास करंट सरफेस एरिया का तो फार्मूला होगा, यानी बाहर वाला तो आपके पास तो होगा ही, तो पाई आर एल लिख लिया हमने, और पाई आर स्क्वायर जो नीचे जो ये बेस सर्कल बन रहा है, बेस सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो इसका बन गया आपका पाई आर एल प्लस आर। स्पीयर के बारे में जानिए, स्पीयर यानी क्या होता है, ये होता है गोला, स्पीयर यानी गोला बोल सकते हैं आप, गोला या गेंद के आकार के, गेंद की तरह होता है, हमने बचपन में गेंद तो देखा ही होगा, गेंद 3D शेप है दोस्त, उसको खोलेंगे तो उसमें वो होलो टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसका बनता है 4/3 पाई आर की क्यूब, इसका घन का घन निकालने आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर की क्यूब, और इसका लेटरल सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगर लेटरल सरफेस एरिया देखिए दोस्त, इसमें क्या होता है कि अंदर आप कोई भी गोले के अंदर तो कुछ होगा, स्पीयर के अंदर तो गोलार्ध हो, यानी गोलार्ध कर रहा हूँ मैं, गोले के अंदर तो कोई स्पीयर तो होगा ही नहीं, अंदर कोई शेप तो होगी नहीं, बाहर का ही होगा ना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी जो होता है वो 4πr² होता है, जो गोले का टोटल सर्फेस एरिया भी 4πr² होता है, और आपका लेटरल यानी कर्व सर्फेस एरिया भी 4πr² होता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है 4/3 πr क्यूब होता है दोस्तों। हेमिस्फीयर जानिए, हेमिस्फीयर कैसे है, तो हेमिस्फीयर को मतलब होता है अर्ध गोलार्ध, यानी गोलार्ध कह दीजिए या अर्ध गोला कह दीजिए, गोलार्ध में लेता हूँ, गोलार्ध या अर्ध गोलार्ध लिखिए या गोलार्ध लिखिए, ठीक है दोस्त। अब इसका देखिए क्या शेप है, देखिए अगर आपके पास पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब है, तो उसका हाफ करेंगे तो देखिए, अगर मैं यहाँ हाफ लिख देता हूँ, यहाँ पर हाफ यानी 2 से डिवाइड करता हूँ तो 4 कट जाएगा, कितना आएगा 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगी, उसी तरह इसका निकालिए तो 2/3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। अब आपके पास ये कैसे आया 3πr², यानी कह सकते थे कि टोटल सरफेस एरिया, अगर आपके बड़े गोले का टोटल सरफेस एरिया 4πr² है, तो टोटल सरफेस एरिया अर्ध गोलार्ध का 3πr² कैसे आएगा, देखिए कैसे आएगा दोस्त। पहले देखिए 2πr² आपको इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो निकाल लेते हैं, यहाँ तक कर्व सरफेस एरिया बनता है इसका, देखिए बन रहा है जो, ठीक है मैंने निकाल लिया, 2πr² आ गया, यहाँ पर 2πr² आ गया, ठीक है 2πr² पता लग गया, जो आपके पास ये दिया हुआ था, तो यानी कर्व सरफेस है 2πr² प्लस, यहाँ प्लस का सिंबल है, ठीक है, और आपके पास ऊपर वाला जो सर्कल गोला बन रहा है, सर्कल के शेप में बन रहा है, उसका फॉर्मूला होता है एरिया का πr², क्या होता है πr² मिलकर बन गया 3πr², क्या बन गया, मिलकर क्या बना 3πr². तो दोस्तों ये मैंने फॉर्मूले आपको समझा दिए,
शानदार कंसेप्ट है इसमें, बहुत जबरदस्त। अगर फॉर्मूले समझ आ जाएंगे दोस्त आपको, क्वेश्चन करने में कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को करके निकल जाएंगे, बहुत ईजी लगेगा आपको क्वेश्चन करने में दोस्तों। तो मजा आ रहा होगा क्लास में दोस्त। ये एक ट्रेलर था, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप इसको रिपीट करके भी देखेंगे तो बहुत, मैंने बहुत शानदार समझाया दोस्त जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी मेरे पास तो ऐसे होता है कि आप लोग अगर सामने हो तो बैठे हो तो स्टूडेंट्स तो कमेंट करेगा या कोई पूछेगा तो आदमी को पता लग जाता है कि किसी डाउट है या नहीं। लेकिन दोस्त रिकॉर्डिंग वीडियो में पता नहीं चल पाता है कि किसी को डाउट है या नहीं समझ आया है, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों आपको प्लीज़ वीडियो देखें और वीडियो देख के शेयर करें ताकि लोग कमेंट करें, और कमेंट करने पर जो भी डाउट हो पूछे हमसे, हम तत्पर हैं उसके लिए दोस्त, बताने के लिए तत्पर हैं कि कोई हमसे डाउट पूछे हम उसको डाउट से हम क्लियर करें दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके पास दिख रहा होगा, मैंने समझा दिया, एक ट्रेलर था दोस्त। कल से, यानी कल तो संडे है, मंडे से जो आपकी 3D क्लास चलेगी दोस्त, जैसे हर शेप के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्यूबॉइड के 5 क्वेश्चन देखेंगे मिलेंगे, क्यूब के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी सभी के 5-5 मिनिमम मिलेंगे क्वेश्चन आपको देखने को। उसके बाद जब क्वेश्चन आप 5-5 क्वेश्चन देंगे कर लेंगे दोस्त, तो यकीन मानिए कोई डाउट नहीं बचेगा कीबोर्ड से। आपको पहले शेप समझाया जाएगा, शेप का कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ है वो समझाएंगे, फिर आपको कैसे इसका फॉर्मूला लगा कर कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे सोल्व होगा सब बताएंगे। उसी तरह सभी शेप का स्पीयर तक, हेमिस्फीयर तक बताया जाएगा। जब ये 6 के 6 टॉपिक इसे कवर हो जाते हैं, साथ में दोस्त इसके होलो वाला जो, जैसे इसका सिलेंडर का होलो का बनता है, स्पीयर का होलो का बनता है, यानी होलो स्पीयर हो गया, होलो सिलेंडर, तो ये मैं सब सिलेंडर का क्वेश्चन लूंगा तो उसमें आपको फॉर्मूले साथ फॉर्मूला ही बता दूंगा, होलो स्पीयर यानी होलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वो बता दूंगा, साथ में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करा के दिखाऊंगा, तो आपको मजा आएगा। जब ये 6 के 6 कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में हम क्या करेंगे दोस्त, कि ऐसा क्लास लेंगे जिसमें सभी के सभी दोस्त एक साथ कंबाइन होकर, जैसे होता नहीं है क्या, देखते हैं कि हाँ एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एक कोण को चेंज किया गया सिलेंडर में, या सिलेंडर चेंज किया गया कोण में, तो उसका ये बराबर है, तो बताइए इसका रेडियस क्या होगा, बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत से तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्त। डोंट वरी, आप बेफिक्र रहिए, बेचिंतित रहिए, हम हैं ख्याल आपका दोस्त। ये वैसे ICICI बैंक के टैगलाइन है, हम है ख्याल आपका। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन तो बता दिया मैंने, तो हम हैं वैसे कि वो ICICI वाला बात हो, वैसे ही हम गुरुकुल वैदिक अकेडमी में हम है ना दोस्त, ख्याल आपका रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, मेहनत हमारी होगी, सफलता आपकी होगी दोस्त, यकीन मानिए। चलते रहिए हमारे साथ, बस कदम के साथ कदम मिलाते रहो और आगे बढ़ते रहिए दोस्त आप, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम भी आगे बढ़े और आपको भी आगे बढ़ाते चले दोस्तों। थैंक यू दोस्त, टेक केयर, बाय बाय।